हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन है, नितिन मोहनलाल, और आज का वीडियो मैं स्पेशली अपने व्यूअर के खास रिक्वेस्ट पे लेकर आया हूं, जो ये बोलते हैं कि सर मुझे बताइए कि बच्चे जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते स्टडीज के ऊपर, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये उन सभी पेरेंट्स को फॉरवर्ड कीजिए मेरे इस वीडियो को, ताकि उन सभी लोगों के पास जाए जो ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको चाहता हूँ कि आप मेरे इस मेरा यूट्यूब का चैनल है जिसका नाम है नितिन मोहनलाल, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको आप फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि ये उन सभी लोगों के पास पहुंचे जिनको वाकई में इसकी जरूरत है। दूसरा, आप लोग फेसबुक पे भी मेरे साथ अटैच हो सकते हैं, मेरा जो फेसबुक आईडी है वो है नितिन मोहनलाल का, आप लोग वहां पर आके मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप लोग इसके अलावा जो फेसबुक पे मेरे पेजेस हैं, रेकी बाय नितिन के नाम से, एनएलपी बाय नितिन के नाम से, आप लोग वहां पर भी रिक्वेस्ट अपनी भेज सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मेरा हर सैटरडे को रात को 9 से 10 जो लाइव शो आता है, वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ बन सकते हैं। आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहूंगा, जो आप लोगों को बहुत बहुत मेरा इतना प्यार आप मुझे देते हैं। जो लोग पर्सनली उससे मिलना चाहते हैं, उससे टच में रहना चाहते हैं, वो मेरे को व्हाट्सअप 9953554121 पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि आपको मेरे सारे अपडेट्स मिलते रहें। आइए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले किस तरह से क्या। तो पहले इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने सबसे पहले ध्यान रखें क्या अपने बच्चे को अफर्मेशन के अंदर क्या क्या बोलते हैं, क्या नेगेटिव अफर्मेशन आपकी होती है बच्चे को बोलते हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे होते हैं कि देखो पढ़ ले वरना तो फेल हो जाएगा। कितने लोग हैं आप लोगों में से जो ये बोलते हैं, उसे देखो वो कितना पढ़ता है, तू तो उसके मुताबिक कुछ पढ़ता ही नहीं है, क्या ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी होती है, पढ़ ले वरना जॉब कहां से लगेगी तेरी, तेरा बाप गरीब है, ऐसे से भी वर्ड्स बने, कई बार सुने हुए, या हमारे पास कोई राजमहल नहीं है, या हमारे पास कोई ऐसा नहीं कि तुम्हें बना बना कोई बिजनेस दे जा रहा, तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़े, हम तो सर तुम्हारे एजुकेशन को दे सकते, तुम अच्छी एजुकेशन दे, बाकी तुम्हारा खुद का नसीब है। ऐसी कैसी अफर्मेशन आप करते हैं अपने बच्चों के साथ, ये बहुत बार प्रॉब्लम मैं देखता हूँ लोगों के साथ होती है, बच्चों के साथ होती है, बच्चों की एक ऐसी प्रेजेंट आइडेंटिटी को खराब कर चुके होते हैं, उसके बाद कहते हैं पढ़ता नहीं है, तो पूरी कोशिश करते हैं, सारे सुविधा देते हैं, एसी वेसी सारी चीजें, मतलब बैठ के बैठ पे इनको खाना चाहिए सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं पढ़ रहा, एबल वो कंसेंट्रेट नहीं कर पा। कभी जानने की कोशिश की ऐसा क्यों है, ऐसा क्या आप लोग नहीं कर पा रहे जो बच्चे को चाहिए। देखिए आप समझिए, पुअर पेरेंटिंग होती है कई बार, पेरेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। कभी भी अपने बच्चे को कंपैरिजन में मत लेकर आइए, किसी भी बच्चे का कोई कंपैरिजन नहीं होता, एवरी पर्सन इज अ यूनिक, हम भी पढ़ते हैं ऐसा, आप लोगों ने पढ़ा है कि हर बच्चा हर व्यक्ति एक यूनिक है, फिर आप अपने बच्चे को किसी से कम क्यों समझते हैं, क्यों उसकी छवि को खराब करना चाहते हैं, मत करिए इसको खराब। अगर आप लोगों को नहीं हो रहा है इतना समझाने के बाद भी अपने बिहेवियर को पैटर्न को चेंज नहीं कर पा रहे, तो आइए जुड़िए मेरे साथ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की वर्कशॉप में, जहां पे मैं बच्चों का और उनके पेरेंट्स का रीप्रोग्राम करता हूं उनके सबकॉन्शियस माइंड को, उन्हें जीने की एक नई राह दिखाता हूं कि इस तरह से उनके ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, किस तरह से आपके बच्चे और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने बच्चों से रैपर्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो आप उनसे सीखते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की वर्कशॉप में। स्पेशली जो लोग स्विच फ्रेज जानते हैं, स्विचवर्ड में इतनी सारी वीडियोस हैं, होता है क्या स्विचवर्ड क्या होता है, जेम्स की मैंगन की 45 साल की रिसर्च है, आप लोग अपने बच्चे के लिए चैंट भी कर सकते हैं, अपने बच्चे से भी बोल सकते हैं कि बेटा चैंट करो, ताकि उनका कॉन्सेंट्रेशन में दिमाग ज्यादा स्ट्रगल करे। तो चैंट करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से लोग ये कहते हैं सर जब भी आप वीडियो बनाते हैं या तो प्लीज स्विच फ्रेज ऊपर लिखे हुआ जाए, साइड में लिखे हुआ जाए, या आप धीरे धीरे बोलिए ताकि हमें समझ आए। तो मैं धीरे धीरे बोलना शुरू कर रहा हूँ, आप प्लीज को देखना चाहे आप लिख सकते हैं। तो बच्चों की एबिलिटी यानी उनकी जो कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए चैंट किया जा सकता, होल्ड पॉइंट कंटिन्यू हाफ वे जी जी मीन जेड ई ए एल जी पैशन ऑन काम अटेंशन, आप इसको पूरा का पूरा मैंने बहुत धीरे से बोला है, आप इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा लिखिए, बच्चों को चैंट कराइए, खुद उनके बिहाफ पर भी आप चैंट कर सकते हैं, आप कहिए देखिए रिजल्ट बहुत अच्छे से आएंगे। आप लोग विश्वास कीजिएगा, जब भी कभी आप लोग कहीं फंस जाते हैं, आप लोग प्लीज मुझे बिल्कुल एक बार भी आप संकोच मत कीजिएगा, मुझे चाहे आप मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग मेरे फेसबुक पे आके मुझे बताइएगा कि कहाँ आप लोग फंस रहे, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ, मेरी टीम आप लोगों के लिए हमेशा तैयार है। आप लोगों को सही दिल से मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं नए नए वीडियोस बना पाता हूँ, इतना मोटिवेशन आप लोगों का रहता है कि मुझे लगता है कि नई नई चीजें मैं आप लोगों को दूँ, जो ये गिफ्ट है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा मेरा अपना बिलीफ है जितना दोगे 10 गुना ज्यादा आपको मिलता है, ये यूनिवर्स का लॉ है, आप देना शुरू कीजिए आपको घटेगा नहीं हमेशा बढ़ेगा, इस बात का विश्वास कीजिए। यही कारण है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो बहुत ज्यादा डोनेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के लिए, और फिर पैसा घटता नहीं है बल्कि और बढ़ता है। मैं आप सभी लोगों का एक बार तहे दिल से फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू।